गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हम लोगों ने पिछला क्लास में क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 5 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट कर लिया था और हमने डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, जैसे कि हेटरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, एलील क्या होता है, जीन क्या होता है और फैक्टर यूनिट क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा होगा, देखिए लास्ट टाइम में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि आपको डायहाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ करके आना है, आपको लिख के आना है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी और हमने इसमें जो हमारा F1 जनरेशन था, मान लीजिए पेरेंट जनरेशन, में पहले बता दूं आपको, पेरेंट जनरेशन में कैपिटल टी कैपिटल ली लिया था और कैपिटल आर लिया था, इसका क्रॉस कराया था आपने स्मॉल टी और स्मॉल आर के साथ। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिला था, कैपिटल टी और कैपिटल आर, और इस केस में हमें क्या देखने को मिला था, स्मॉल टी और स्मॉल आर। मतलब कि जब हमने क्रॉसिंग ओवर कराया था तो हमें जो देखने को मिला था वो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा F1 जनरेशन था डायहाइब्रिड क्रॉस का। फिर हमने इसमें क्या करा दिया था, सेल्फिंग कराने के बाद फिर हमें 16 टाइप के ऑफ गैमेट्स हमें देखने को मिला था, 16 टाइप्स, बताइए मिला था कि नहीं मिला था। 16 टाइप हमने सेल्फिंग कराया था, तो हमने क्या दिया था, कैपिटल टी है ना, और फिर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, इस टाइप से हमने किया था कि नहीं किया था। तो चलिए, हमें 16 टाइप के, और हमने ये भी बता दिया था आपको कि नंबर ऑफ जैगोट्स कैसे निकालते हैं है ना, फिनोटाइप या टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने दे दिया था। तो आपको फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी मैंने बता दिया था। तो फिनोटिपिक रेशियो में मैंने आपको बोला था, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन क्या था, 9:3:1, यही था ना। तो इसमें 9 क्या था, ये वाले केस में हमें देखने को मिला था राउंड येलो, देखने को मिला था ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, हमें ये राउंड येलो देखने को मिला था, और ये वाले केस में हमें क्या देखने को मिला था, रिंकल्ड येलो, तीन हमें देखने को मिला था, फिर तीन हमें देखने को मिला था राउंड ग्रीन, और फिर लास्ट में हमें एक देखने को मिला था क्या, रिंकल्ड ग्रीन, यही हमें देखने को मिला था 9:3:1। अब अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन, तो इस केस में हमने आपको याद करा था 12 थोड़ा यहां से लिखूं, मैंने आपको बोला था 12 1, यही याद कराया था मैंने, यही याद कराया था 12 24 12 12 1। तो इस केस में जो हमें देखने को मिला था वो क्या क्या हमें देखने को मिला था, इस केस में अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो निकालना चाहूँ, एक जो हमें कैसा देखने को मिला था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक दो हमें दो केस ऐसा दिखेगा, ये तो पहला वाला है जो फर्स्ट कॉलम में आपको दिखा था, और ये लास्ट वाला होगा जो सबसे लास्ट कॉलम में आपको दिखेगा, वो कौन सा होगा बोली जरा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इतना डिसाइड हमने कर लिया। फिर दो जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। फिर दो जो हमें देखने को मिलेगा वो होगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमें चार जो देखने को मिलेगा वो चार केस ही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद हमें एक जो देखने को मिलेगा वो होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर हमें दो जो देखने को मिलेगा वो होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हमें एक के केस में एक ऐसा दिखेगा कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर दो केस हमें दिखेगा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई, और एक केस हमें
कैसा दिखेगा हमें, स्मॉल आर और स्मॉल वाई जो रिंकल्ड ग्रीन था। तो इस केस में आप बोल सकते हैं क्या है ये, बोलिए जरा, राउंड येल्लो। इस केस में क्या है, 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 रिंकल्ड येल्लो। इस केस में क्या है, रिंकल्ड येल्लो। इस केस में क्या है, राउंड ग्रीन। इस केस में क्या है, बोलिए जरा, राउंड ग्रीन। इस केस में क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। देख लो आप, मिला लो, इतने ही मिलेंगे 16 में से। समझ में आई बात? ये हमारा हो गया क्या, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आई बात? फिनोटिपिक रेशियो तो हमने अभी आपको बता दिया है, समझ में आई बात? तो चलिए, हम जो है अब हम आपको ये बताएंगे, पिछला क्लास में हमने आपको ये बताया था कि भाई गैमेट जो आपको बनाना है, गैमेट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हुए हम लोग जानते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी में से ये दो गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसे हम प्योरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी का भी मिक्सिंग नहीं होता है। समझ में आई बात? अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछला क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था। वो फॉर्मूला क्या था, बोलिए जरा? वो फॉर्मूला था कि अगर आप फिनोटाइप या फिर टाइप्स ऑफ गैमेट निकालना चाहते हैं तो 2n कर देंगे। एन क्या है, वही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। समझ में आई बात? उसके बाद मैंने आपको बोला कि फिर अगर आपको ये निकालना है क्या, जीनोटाइप, तो आप क्या करेंगे, 3n कर देंगे। अगर आपको ये निकालना है कि कितने जायगोट बनेंगे तो फिर आपको क्या करना है, 4n कर देना है। तो ये चीज हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं क्या, कि फिनोटाइप या फिर टाइप्स ऑफ गैमेट हम लोग निकालेंगे तो 2n, फिर उसका जीनोटाइप अगर हम निकालेंगे तो 3n, फिर इसके बाद अगर हम जागोट, नंबर ऑफ जागोट अगर हम निकालना चाहेंगे तो 4n। तो समझ में आई बात? ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको समझाएंगे फोर्क लाइन मेथड, इससे भी आप निकाल सकते हैं कितने टाइप के गैमेट बनेंगे और फिर कितना परसेंट कौन से गैमेट का चांस होगा। समझ में आई बात? तो पॉसिबिलिटी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कितना परसेंट होगा वो चीज देखेंगे। हम देखेंगे आज फोर्क लाइन मेथड। क्या देखेंगे? फोर्क लाइन मेथड फॉर गैमेट फॉर्मेशन, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। चलिए, इस केस में अगर मैं बोलूं कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस केस में अगर आपसे मैं बोलूं कितने गैमेट बनेंगे तो आप क्या बोलेंगे, भाई हेटरोजाइगोसिटी इसमें एक और दो, दो है इसमें, एन एन क्या हो गया इस केस में हमारा, एन दो हो गया। हम लोग जानते हैं कि इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, हम लोग जानते हैं भाई फोर टाइप्स बनेंगे। तो फोर्क लाइन मेथड में क्या होता है कि कैपिटल ए को यहाँ लिखिए और स्मॉल ए को यहाँ लिखिए, स्मॉल ए को यहाँ लिखिए, और कैपिटल ए जो है कैपिटल ए के दोनों तरफ आप एक तरफ कैपिटल बी लिखिए, एक तरफ कैपिटल स्मॉल बी लिखिए, एक तरफ इसमें भी कैपिटल बी लिखिए और एक तरफ इसमें भी स्मॉल बी लिखिए। तो अब आप यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका गैमेट, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे आपका मिलेगा क्या, कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो हम बोल सकते हैं कि 1/4 मतलब कि 25% पॉसिबिलिटी हैं ये टाइप के गैमेट बनने के, 25% पॉसिबिलिटी इसके हैं, 25% पॉसिबिलिटी इसके हैं, 25% पॉसिबिलिटी इसके हैं। समझ में आई बात? ये तो हमने देख लिया डायहाइब्रिड वाले कंडीशन में। अगर आपको ट्राईहाइब्रिड के वाले में दे तो फोर्क लाइन फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो चीज भी आप देख लें, फोर्क लाइन मेथड। इस केस में मान लीजिए आपने कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल ए दिया हुआ है, कैपिटल बी स्मॉल बी दिया हुआ है, कैपिटल सी स्मॉल सी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल ए और यहाँ पे ड्रॉ करना है स्मॉल ए। तो इस केस में आपको फिर वही चीजें आपको ड्रॉ करनी है, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इसमें आपको लेके चले जाना है कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इसमें लेके आपको चले जाना है कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इस केस में भी आपको वही काम करना है कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर यहाँ पर भी आपको कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर यहाँ पर भी आपको
वही काम करना है क्या, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो आप यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो इतने यानी 8 टाइप के गैमेट मिलेंगे। आप यहाँ पे आप अगर गैमेट टाइप्स ऑफ गैमेट निकालना चाहते हैं गैमेट, तो हमने फॉर्मूला बताया हुआ है 2 पर पावर n। तो 2 पर पावर n कितने हैं, 1 2 3, तो 3, तो 2 पर पावर 3 8 टाइप के मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबिलिटी परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो आप सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलिए जरा, 12.5% इसके चांसेस, 12.5% इसके चांस, 12.5, समझ में आई बात सबका, 12.5। समझ में आई बात। तो ये चीजें हमने यहां पे देख लिया, फोर्क लाइन मेथड। अब हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या बोलिए जरा, अब हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये हमारा पिछला क्लास में थोड़ा सा छूटा हुआ पार्ट था, इसलिए हमने बता दिया आपको। अब जो हम डिस्कस करेंगे मेनली, वो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आपको। पहला हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस, या फिर हम यूं बोल सकते हैं बैक क्रॉस। चलिए ये बैक क्रॉस की अगर हम बात करें तो बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस कुछ नहीं है, इसमें F1 जनरेशन जो आपका आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन का आप क्रॉसिंग ओवर करवा दीजिए किसके साथ, किसी भी पेरेंट के साथ। किसके साथ, किसी भी पेरेंट के साथ, यहां पे पेरेंट लिख दो, पेरेंट्स के साथ। तो मैं यहां पे डेफिनेशन बैक क्रॉस का लिख सकता हूं कि बोल सकता हूं कि F1 क्रॉस्ड विद एनी पेरेंट्स, या विद देयर पेरेंट्स कर दो यार, विद देयर पेरेंट्स, विद देयर पेरेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। तो इस केस में हम 2 क्रॉस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2 क्रॉस पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे आउट क्रॉस, एक हम क्या पढ़ेंगे, आउट क्रॉस, और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, टेस्ट क्रॉस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में अभी हम लोग डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी पढ़ेंगे और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी पढ़ेंगे। ऑट क्रॉस के केस में क्या है, वही मेंडल साहब वाला F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था। अरे मान लीजिए यहाँ कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो F1 जनरेशन हमें क्या मिला था बोलिए जरा, F1 जनरेशन हमें क्या मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था कि नहीं मिला था। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा दो आप किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ। किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, याद रखिएगा। तो इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में क्या होता है कि F1 जनरेशन क्रॉस्ड विद डोमिनेंट पेरेंट। तो इस केस में आप अगर गैमेट बनाएंगे तो इसका कैपिटल टी बनेगा, इसका गैमेट 2 बनेगा, सेपरेट होगा, तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। समझ में आई बात। वही चीजें अगर मैं डब्बे से चेक करना चाहूं, गलत हो गया, अगर मैं डब्बे से चेक करना चाहूं, यहाँ देखिए एक तरफ कैपिटल टी रख दीजिए, एक तरफ यहाँ पर कैपिटल टी और एक तरफ यहाँ पर स्मॉल टी, 3 गैमेट है, तीनों मैंने रख दिया, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर सबके सब जो मिले वो हमें कैसे मिले हैं, टॉल। समझ में आई बात। तो ऑट क्रॉस में जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कैसे मिलते हैं, सबके सब टॉल मिलते हैं। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, फिनोटिपिक रेशियो 1:0, मतलब कि एक ही है हमारा। तो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो जीनोटिपिक में आप देख सकते हैं एक तो प्योर टॉल है और एक क्या है, इम्प्योर टॉल है, इम्प्योर टॉल। तो समझ में आए बात। जीनोटिपिक रेशियो आप देख सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो में एक प्योर टॉल है और एक इम्प्योर टॉल है, लेकिन है तो दोनों के दोनों क्या, टॉल ही है। तो इसीलिए इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो ऑट क्रॉस आपसे अगर कोई पूछे तो आप बोलेंगे कि F1 जनरेशन जो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला था उसका हम क्रॉस करवा देते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो फिर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सबके सब टॉल ही मिलते हैं।
समझ में आई बात। तो फिर चले आते हैं हम आप किस में, टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें काफी अच्छी तरीके से समझना है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 का क्रॉस करवाते हैं हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो F1 हमारा क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस किससे करना है, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। रिसेसिव पेरेंट क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। इस केस में इसका गैमेट आएगा स्मॉल टी, इस केस में इसका गैमेट दो आएगा, एक आएगा कैपिटल टी और एक आएगा स्मॉल टी, यही तो आएगा। तो फिर वही मैं अगर डब्बा से चेक करना चाहूं, तो ये देखिए मैंने डब्बा बनाया और यहां पे एक मैंने स्मॉल टी रख दिया, यहां पर मैंने कैपिटल टी रख दिया, यहां पर मैंने स्मॉल टी रख दिया। तो यहां पर हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इस केस में हमने देखा एक तो हमें क्या मिला टॉल, एक तो हमें क्या मिला टॉल और एक हमें क्या मिला ड्वार्फ। तो हमने यहां पे अगर फिनोटिपिक रेशियो अगर हमें देखना है तो फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1:1। अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो भी देखूं तो जीनोटिपिक रेशियो हमें क्या मिलेगा, 1:1। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन टेस्ट क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बैक क्रॉस हमें पता चल गया कि F1 जनरेशन का क्रॉसिंग ओवर करना उसके पेरेंट्स के साथ, समझ में आई बात। उस केस में अगर पेरेंट्स डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, दोनों के दोनों एलील उसमें डोमिनेंट है, तो उस केस में हम बोलेंगे आउट क्रॉस। अगर रिसेसिव फॉर्म है पेरेंट का तो उसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, जो कि हमने अभी देखा। तो अब हम देखते हैं पहला मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या देखते हैं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आप क्या लेंगे बोलिए जरा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में। जैसे मान लीजिए पहले कैपिटल टी है, इसका हमने स्मॉल टी लिया हुआ है, तो यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, ये दोनों के क्रॉसिंग ओवर से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये हमें मिला, ये क्या है भाई, एफ वन जनरेशन है, समझ में आई बात, क्या टॉल। अब इसी का कैपिटल टी स्मॉल टी का हम क्रॉस करवाएंगे किससे, टेस्ट क्रॉस है ना, स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी के साथ कराएंगे। तो वही चीजें हमें सेम अभी जो हमने देखा, कैपिटल टी और स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, समझ में आई बात। सेम आप डब्बे से चेक कर सकते हैं, सेम आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सेम आपको देखने को मिलेगा। तो वही 1:1 फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों के दोनों सेम। ये तो हमारा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने देख लिया। अगर हम डायहाइब्रिड की बात करें, डायहाइब्रिड की बात करें तो आप निकाल सकते हैं, आप देखिए डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। मान लीजिए हमने क्या दिया, डायहाइब्रिड क्रॉस निकालना है। डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको क्या लेना है, सपोज क्या लेना है डायहाइब्रिड में, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। पहले हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं फिर बाद में टेस्ट क्रॉस करेंगे। फिर हमने इसका अपोजिट लिया था स्मॉल टी स्मॉल आर इस केस में हमने मिला था स्मॉल टी स्मॉल आर, इस केस में हमें मिला था कैपिटल टी और कैपिटल आर। तो हमने देखा था लास्ट में जो हमें प्रोजिनी मिला था एफ वन जनरेशन में, वो मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, यही मिला था। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका आप क्रॉस कर देंगे किसके साथ, स्मॉल टी और स्मॉल आर, क्योंकि रिसेसिव के साथ आपको करना है। तो रिसेसिव के साथ करना है, वो भी ये किसके साथ करना है, पेरेंट के साथ। ये कौन है, पेरेंट है। ये क्या है बच्चों, एफ वन जनरेशन है। अब जब ऐसा आप करेंगे तो इस केस में आपको जो डब्बा में देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा बोलिए जरा। यहां से अगर आप गैमेट बनाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से आप बनाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आप बनाते हैं स्मॉल टी, यहां से आप बनाते हैं स्मॉल आर। चलिए आप इसको डब्बे में बना करके हमें आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, समझ में आई बात। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि भाई टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी, टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी। आइए यहां पर मैं आपका टाइम किल कर रहा हूं, उसकी वजह है इसमें थ्योरी से समझ में नहीं आने वाला, तो इसीलिए मुझे इसको समझाना पड़ेगा। थ्योरी होता है तो मैं लिखने का टाइम हटा देता हूं और फिर मैं समझा देता हूं, जल्दी हो जाता है। तो इस केस में
इस केस में मैं बोलूं टेस्ट क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी। टेस्ट क्रॉस में एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है, लिखा दिया था मैंने, जीनोटाइप फेनोटाइप दोनों होना, दोनों सेम होते हैं, तो बिकॉज टेस्ट क्रॉस हेल्प्स टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम होगा, वो यहाँ पे यूं दिया हुआ है, रिसेसिव फॉर्म फ्लावर का दिया हुआ है, इधर भी रिसेसिव फॉर्म फ्लावर का दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक फ्लावर बना हुआ है और यहाँ पर भी एक फ्लावर बना हुआ है, और बीच में जो एक फ्लावर बनाया है उसके बारे में इन्होंने बताया कि फीनोटिपिक रेशियो तो हमें पता है लेकिन जीनोटिपिक रेशियो हमें पता नहीं है, ये चीज़ बोला है। तो जीनोटिपिक रेशियो इस कलर्ड फ्लावर का आपको निकालने को बोला है। फिनोटिपिक तो पता चल गया कि कलर्ड है, ठीक है, जीनोटिपिक। तो उस केस में जब ये फिनोटिपिक रेशियो फ्लावर के बारे में पता है, तो इस केस में हमें कलर्ड है तो ये दो हो सकते हैं, या तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू क्योंकि कलर्ड है, तो या फिर यूं क्या देखने को मिल सकता है, कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू। तो इस केस में फिर वही अगर डब्बा हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम रख देते हैं स्मॉल डब्लू और यहाँ पे हम रख देते हैं कैपिटल डब्लू, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो यही हमें देखने को मिलेगा सबके सब इस केस में, हमें कैसे कलर्ड दिख रहे हैं सबके सब कैसे कलर्ड दिख रहे हैं। इस केस में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, इस केस में फिर मैं वही डब्बा बनाता हूँ, डब्बा बनाने के बाद आप यहाँ पे फिर वही सेम काम कीजिए, क्या स्मॉल डब्लू रख दीजिए, यहाँ कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू है ही, तो इस केस में आपको क्या दिखेगा, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। तो इस केस में आपको क्या देखा, 50% फ्लावर जो है वो कलर्ड है और 50% जो है वो क्या है वाइट है, और इस केस में आपको क्या दिखा, सबके सब फ्लावर जो है वो कैसे हैं, कलर्ड है। समझ में आई बात, तो ये चीज आपको वहां पे बताया गया है उस डायग्राम में, वहां पर एक बार नजर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा पार्ट। अच्छा, पिछले क्लास में जब मैं आपको पढ़ाया था तो मुझे अभी याद आ रहा है, कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने नहीं बताया था कि एलील किसने दिया है, जीन किसने और यूनिट फैक्टर किसने, तो आइए मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, बताता हूँ उनके बारे में। तो मैं आपको ही बताया था, एलील के बारे में बता दिया था ना, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन बताया था इनके बारे में, यस, विच प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम लोकस पर। तो मैंने आपको एक चीज बताया था जीन के बारे में, ये जीन जो होता है ना, जीन टर्म दिया है जोहनसन ने, कौन दिया है, जोहनसन ने 1909 में दिया था, जोहनसन साहब ने, ठीक है। फिर उसके बाद एलील एक टर्म हमने आपको बताया था, एलील जो है वो बेटसन साहब ने दिया था, बेटसन, विलियम बेटसन साहब ने, ठीक है, डब्ल्यू बेटसन साहब ने कब दिया था, शायद 1905 में दिया था इन्होंने, ठीक है। और यूनिट फैक्टर भी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है, ये यूनिट फैक्टर जो है, ये यूनिट फैक्टर देने वाले कौन है बोलिए ज़रा, मेंडल साहब हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मेंडल साहब को अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो नीट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन टर्म है, किसने प्रपोज किया था, बाकी मैं जेनेटिक्स में बेटसन साहब ने प्रपोज किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब हैं, मॉडर्न के बारे में भी बता दिया था बेटसन साहब, ये सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, ये चीज हम आप डिस्कस करेंगे। टेस्ट क्रॉस में किसी को डाउट है, किसी को अगर कोई डाउट है तो आप फौरन फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं फौरन बताइए। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट्स का मतलब ये है कि इसमें
दो करेक्टर आपने एक साथ लिया है, दो पेयर ऑफ करेक्टर, तो उसमें एक पेयर ट्रांसफर हो जाएगा, उसको दूसरे पेयर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, अपना इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा, उसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट बोलेंगे। समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल आर लिया और कैपिटल टी लिया, अगली जनरेशन जो होगी वो टॉल तो होगी ही होगी। ठीक है, ये हमको इससे मतलब है, हमने ये चीज नहीं बोलना अगर टॉल है तो 100% राउंड भी होना ही है, हमें इससे मतलब नहीं है। ये लो हो तो हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इसका जवाब क्रॉस कराएंगे, इल्लो भी हो कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि अगर एक पेयर ऑफ करेक्टर्स अगर ट्रांसफर हो गया, इनहेरिट हो गया, तो वही कहलाता है इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट। देखो ना, आप टॉल हो गया उसको इससे कोई मतलब नहीं है, तो इंडिपेंडेंटली एक ही करेक्टर ट्रांसफर हो गया ना, तो वही चीज है। आपको एनसीईआरटी बोल रही है बहुत अच्छे लाइन में, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, जैसे स्टेम हाइट ले लिया आपने, फ्लावर कलर ले लिया, फ्लावर कलर कोई भी हमें से मतलब नहीं, स्टेम हाइट क्या है, सेम, इनहेरिट हो गया। समझ में आई बात? तो ये तो हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। फिर हम आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स अभी पढ़ाने वाले हैं। क्या इनकम्प्लीट वर्ड से आप समझिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स मतलब डोमिनेंट इसमें क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। डोमिनेंट जो करेक्टर था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल था। इस केस में ये जो कैपिटल टी है इसके पास ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने डोमिनेंट कैपेसिटी को। समझ में आया? जैसे कि अगर मैं कैपिटल आर लूं और स्मॉल आर लूं, तो हम क्या बोलते हैं, ये रेड है और ये क्या बोल रहे हैं हम, व्हाइट है। तो इस केस में जब दोनों के क्रॉसिंग ओवर से कैपिटल आर स्मॉल आर बनता है, तो हमारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, ये क्या बन गया, पिंक बन गया। तो भाई दोनों की ब्लेंडिंग से एक अलग टाइप का हमें फिनोटाइप हमें देखने को मिला, इसे ही हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम फिर पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस से मतलब, को मतलब साथ साथ, दोनों के करेक्टर एक साथ अगला जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दिखेगा, दोनों का करेक्टर दिखेगा। उसमें माँ दिख रहा है तो उसमें बाप भी दिख रहा है, एकदम समझ में आई बात? मैंने माँ दिख रहा बोल दिया, बाप भी दिख रहा बोल दिया, अरे भाई गलत बोल दिया। उसमें अगर माँ भी दिख रही है तो उसमें बाप भी दिख रहा, समझ में आई बात? जैसे अगर मैं आपको यूं बताना चाहूँ कि जैसे मान लीजिए ये क्या है, ब्लैक कलर है, और ये क्या है, ये क्या है, ग्रीन कलर है, ये क्या है, ग्रीन कलर है। अब दोनों के क्रॉसिंग ओवर से जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा उसमें देखिए, कुछ पार्ट हमें ग्रीन देखने को मिला और कुछ पार्ट हमें क्या, ब्लैक दिखने को मिला, देख रहे हो? तो ऐसे ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप, और दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है कॉट कलर इन कैटल, कॉट कलर इन कैटल। चलिए, खैर ये सारी चीजें हम लोग अभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट्स इन थ्योरेटिकल फॉर्म, फिर उसके बाद हम उसको और समझाएंगे अच्छी तरीके से। आज का थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जो जितने भी हार्डेस्ट पार्ट है वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देख रहे हैं क्या, बोलिए जरा, इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट। सारी चीजें मैं पहले मेंशन कर दूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स, क्योंकि हम डायहाइब्रिड विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्रॉसिंग ओवर के साथ सब चीज हम लोग समझ चुके हैं डायहाइब्रिड में। ठीक है, लेकिन मेंडल साहब जो थे वो डायहाइब्रिड से ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स ड्राइव किए। उन्होंने ये बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स यानी टू पेयर ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट इन प्लांट्स असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस, इट इज बेस्ड ऑन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस। यहां पे क्या कहना चाहता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आने की, अब मुझसे सुनिए। मैंने ये बोला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होगा, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होगा। समझ कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं
कि मैंने दो करेक्टर लिया है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर में लिखा होगा टू पेयर ऑफ ट्रैट्स। टू पेयर ऑफ ट्रैट्स का मतलब दो करेक्टर इन्होंने लिया। जैसे मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक स्टेम हाइट लिया और मैंने एक फ्लावर कलर लिया, तो स्टेम हाइट और फ्लावर कलर दोनों डायहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड होगा, दोनों का हम अपोजिट रिसेसिव डोमिनेंट दोनों फॉर्म लेंगे, तो दोनों स्टेम हाइट और उसके बाद फ्लावर कलर, तो ये दोनों के दोनों जब हम मिक्सिंग करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही साथ इनहेरिट हो। यानी जो प्लांट टॉल हो उसके फ्लावर भी राउंड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉल यानी कि एक ही करेक्टर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करे। यानी मान लीजिए टॉल जो हमारा एक पेयर ऑफ करेक्टर है ये ट्रांसफर हुआ, ये इनहेरिट हुआ। अब फ्लावर कोई भी हो, फ्लावर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट का मतलब ये है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को मैं एग्जांपल से समझता हूं। मान लीजिए मैंने एक करेक्टर लिया स्टेम हाइट, मैंने एक करेक्टर क्या लिया स्टेम हाइट, और दूसरा हमने ले लिया क्या फ्लावर कलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से समझिएगा। स्टेम हाइट में मैं क्या ले लिया, मान लिया कैपिटल टी है ना, और स्मॉल टी, और फ्लावर कलर में मैं क्या ले लिया, मान लीजिए कैपिटल आर और स्मॉल आर है ना, राउंड और बोलिए जरा सॉरी वायलेट और या राउंड और रिंकल्ड बोल देते हैं है ना, वायलेट और वाइट बोल देते हैं। तो खैर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जब हम गैमेट बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 जनरेशन जो हमारा मेन निकलेगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब हमारा जो F1 जनरेशन निकलेगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, यही तो हमें देखने को मिलेगा। तो अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट यहाँ पे हमें टॉल मिला है वो प्लांट राउंड हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमको प्लांट राउंड में टॉल मिल गया है, अब वो फ्लावर राउंड हो या रिंकल्ड हो या वॉयलेट हो ग्रीन हो, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट। शॉर्ट में आप ये कहेंगे, किसी को भी अगर समझाना हो या फिर आपको खुद को समझना हो, यूँ बोलिएगा कि हमने दो करेक्टर लिया, उसमें से एक करेक्टर ट्रांसफर हो गया इंडिपेंडेंटली, उसको दूसरे करेक्टर से कोई मतलब नहीं। इसको यूँ समझिए, एक बाप के दो बेटे हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, रिलेशन में क्या है दोनों भाई हैं। जब बाप के सामने खड़े रहेंगे तो दोनों क्या कहलाएंगे, भाई कहलाएंगे, जो मेंडल साहब का लॉ कहता है, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या मतलब है कि इसकी शादी हो गई, अब इस भाई से उसको मतलब कुछ भी नहीं है, ये अब क्या है इंडिपेंडेंट हो गया अपनी वाइफ के साथ अपनी फैमिली के साथ। समझ में आई बात, तो इसे ही बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो समझ में आई बात, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स या टू पेयर ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट इन प्लांट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। एक ही पेयर ऑफ करेक्टर्स ट्रांसफर हो गया इंडिपेंडेंटली, उसको दूसरे पेयर से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैंने समझा दिया कि जैसे कि हमेशा हमें मेंडल साहब में यह देखने को मिलता था कि टॉल कैपिटल आर सॉरी कैपिटल टी कैपिटल आर मिलता था ना, एक प्योर टॉल हम पर टॉल राउंड हमें मिलता था। तो इसमें ऐसा केस यहां पे देखिए ना, ये केस हमें बहुत दिखा है कि ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई मिला था, राउंड येलो मिला था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा रहेगा राउंड तो येलो भी होना जरूरी है, नहीं भाई, राउंड हो अब ये ग्रीन भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात। अब हम लोग आ जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में। इसको समझने के लिए आपको ना बहुत कंसर्स होना पड़ेगा, बस यूं आप पढ़ेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है जो हमें समझने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वर्ड को पकड़िएगा तो समझना ईजी हो जाएगा। इनकम्प्लीट, आपने नोट्स बना रखा था, नोट्स कंप्लीट नहीं था, आपने क्या बोला इनकम्प्लीट नोट्स है। समझ में आई बात, इतनी से समझ गए। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट ये था कि भाई डोमिनेंट करेक्टर अगर प्रेजेंट हो, डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट हो तो रेसेसिव वाला सप्रेस हो जाता, डोमिनेंटली एक्सप्रेस होता है।
ये मेंडल साहब ने कहा था, हमने नहीं कहा था, मेंडल साहब ने कहा था अपने एक्सपेरिमेंट में। क्या कहा था मेंडल साहब ने, अभी मैं डिस्कस यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। मेंडल साहब ने ये कहा है कि जैसे मान लीजिए ये कैपिटल टी मोनोहाइब्रिड की बात करें और ये स्मॉल टी है, तो इस केस में जब आपने क्रॉसिंग ओवर करा था तो आपको F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, तो ऐसे प्लांट को आपने क्या बोला था, टॉल बोला था, बोला था कि नहीं बोला था। मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया था भाई ड्वार्फ क्यों नहीं बोलोगे, इसमें तो प्रॉपर का हिस्सा है, जितना स्मॉल टी है उतना कैपिटल टी है। तो आपने हमें जवाब दिया था कि मेंडल साहब का ये रूल है लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, कि जब डोमिनेंट कैरेक्टर परसेंट हो तो उसी को ही एक्सप्रेस किया जाता है ना, ये चीज आपने कहा था। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कि इसमें ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी में आपने बोला था कि ये एक्सप्रेस करेगा, ये एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी जो होती है इसके पास नहीं होती है। समझ में आई बात, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मतलब ये हुआ कि दोनों पेरेंट्स, एक रिसेसिव और एक टॉल, एक रिसेसिव और एक टॉल, दोनों के ब्लेंडिंग से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा इन इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में। मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो एबिलिटी नहीं रखता है एक्सप्रेस करने की, है ना, डोमिनेंट कैरेक्टर को। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट कैरेक्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए मेंडल के लॉ में, है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। बट क्या है कि इन दिस फेनोमेनन, कौन से में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, नन ऑफ टू कंट्रास्टिंग एलील्स इज डोमिनेंट, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेसेसिव डोमिनेंट हो जाएगा किस पर, डोमिनेंट वाले करेक्टर पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नन ऑफ टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी ही समझिएगा, नन ऑफ टू कंट्रास्टिंग एलील्स इज डोमिनेंट, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। एक्सप्रेस themselves partially, यानी इंटरमीडिएट आपको दिखेंगे। एग्जाम्पल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्पल्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, एंटीरिनम, और इसी ही एंटीरिनम को हम लोग बोलते हैं स्नैप ड्रैगन एंड डॉग फ्लावर। एंटीरिनम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन एंड डॉग फ्लावर, ठीक है। इसके फ्लावर कलर में हमें इंटरमीडिएट कलर हमें देखने को मिलता है, वो कैसे अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद फ्लावर कलर्स इन मिराबिलिस जलाफा, जो कि बिल्कुल सिमिलर है एंटीरिनम के, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें स्नैपड्रैगन के बारे में। मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट क्या लिया, समझिए, इन्होंने रेड फ्लावर्ड प्लांट लिया एक तरफ, रेड फ्लावर्ड प्लांट, ठीक है, इसका क्रॉस करवा दिया व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, केस में व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ। अब इस केस में जैसे अगर मैंने रेड लिया तो रेड का मतलब कैपिटल आर लिया, और व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट का मतलब आपने स्मॉल आर लिया, समझ में आई बात। इसमें से आपने गैमेट बनाया स्मॉल आर, इसमें से आपने गैमेट बनाया कैपिटल आर, दोनों का आपने क्रॉसिंग ओवर कर दिया, तो आपको मिला कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ उन्होंने ये बताया था कि ये भाई रेड होना चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या पढ़ा है कि ये आर के पास जो होता है एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर को। तो ये जो हमें मिला है F1 जनरेशन, ये क्या है बच्चों बोलिए जरा, ये पिंक फ्लावर हमें मिल गया, क्या मिल गया, पिंक फ्लावर। तो भाई मुझे एक बात बताइए, ये पिंक फ्लावर जो है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, हमें दिख गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, हमें दिख गया। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट में क्या होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर को जो एलील होता है एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं होती, समझ में आई बात। अब अगर मैं इसी का यहां पे अगर मैं क्रॉस करूं, सेल्फिंग कराऊं उसी में, तो किस में, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी का क्रॉस करा दूं कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो आप जानते हैं हम लोग बनाना जानते हैं अच्छी तरीके से, ये वाला पुनेट स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इस केस में हमें क्या क्या देखने को मिल गया कि ये जो कैपिटल आर है ये तो रेड है, ये क्या है रेड है, और ये जो स्मॉल आर है ये तो क्या है वाइट है। बट ये जो बीच में हमें दो मिला है, ये जो हमें बीच में दो मिला है ये वाला, ये दोनों जो है ये हालांकि करेक्टर डोमिनेंट है, होना चाहिए था क्या रेड, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में रेड के आर के पास कैपिटल आर के पास ये एलील के पास डोमिनेंट करेक्टर को शो करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा ये वाला पिंक हो जाएगा। तो दो हमारे पास पिंक हो गया, एक रेड हो गया और एक व्हाइट हो गया। तो अब आपसे अगर मैं रेशियो पूछूं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो अब आप बता देंगे फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 पिंक कितने हैं 2:2 और व्हाइट कितने हैं 1। तो मतलब ये 1 जो है ये क्या है कैपिटल आर है, और पिंक वाला क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर जो कि 2 है, और का स्मॉल आर ये क्या हो गया व्हाइट हो गया। और जीनोटिपिक रेशियो सेम 1:2, 2:1 सेम हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में वो क्या होता है बोलिए जरा, सेम होता है। अभी तक हमने क्या समझा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स को समझा। इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में हमने बोला कि भाई मेंडल साहब का जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि जो कैपिटल लेटर होगा हमारा या फिर जो डोमिनेंट एलील होगा वो रिसेसिव पर क्या होगा हावी होगा, रिसेसिव को सप्रेस करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी जो डोमिनेंट करेक्टर वाली है वो नहीं होता, समझ में आई बात। तो वो अपने लॉस कर लेते हैं एक्सप्रेशन कैपेसिटी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि एंथ्राइनम और स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर जो है इसके फ्लावर कलर में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने एक रेड लिया और व्हाइट लिया, जो हम दोनों का क्रॉसिंग ओवर करा तो हमें रेड की जगह हमें क्या मिल गया बोलिए जरा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पिंक मिल गया। तो समझ में आए बात। तो ये तो था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस में सेम प्रोसेस है, एज इट इज सेम प्रोसेस है, सेम रेशियो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन फर्क कोडोमिनेंस में क्या होगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। कोडोमिनेंस को पहले हम लोग देखते हैं। व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन, व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस थैमसेल साइमल्टेनियसली इन अ हेट्रोजाइगोट नोन एज कोडोमिनेंस। अब देखिए एग्जाम्पल तो हम बाद में देखेंगे। मैंने क्या बोला कि दो आपने करेक्टर लिया या फिर दो एलील वहां पर प्रेजेंट है एक जीन में, है ना, ये एलील जो है दोनों के दोनों एक साथ अपने आप को अगला प्रोडक्ट में दिखाएगा। वो कैसे, आप यहां पे डायग्राम मैंने भी दिया है इसको आप देख सकते हैं। ये जो आपको ये जो कैटल है यहां पर इसके पास आप क्या देख रहे हैं कि इसके जो लेयर है ऊपर की जो आपने आप देख रहे हैं व्हाइट और ब्लैक है, क्या है व्हाइट और ब्लैक। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि मैंने ब्लैक लिया हुआ था और मैंने व्हाइट लिया हुआ था, उसके पेरेंट्स दोनों एक जो एलील था वो क्या था व्हाइट वाला था और एक क्या था ब्लैक वाला था, और दोनों के क्रॉसिंग ओवर से ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिला है। तो क्या इस प्रोडक्ट में आपको दोनों का मिक्सिंग दिख रहा है ना, दोनों के दोनों दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं को डोमिनेंस। को का मतलब होता है साथ साथ, जैसे कि यार कोऑपरेट करो बोलते हैं ना यार, साथ साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो, तो को डोमिनेंस को आप यूं ही समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक फ्लावर लिया वो क्या है व्हाइट है, एक फ्लावर लिया वो क्या है रेड है, मैंने दोनों व्हाइट और रेड का क्या कर दिया क्रॉसिंग ओवर, तो हमें जो बीच में प्रोडक्ट मिला है वो क्या मिला है बोलिए जरा, पिंक। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिल गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। लेकिन फिर वही व्हाइट और वही रेड उसका क्रॉसिंग ओवर किया और बीच वाला जो था उसमें वो पिंक नहीं मिला, बल्कि उसमें कुछ पार्ट उसी फ्लावर में कुछ पार्ट तो व्हाइट भी हैं और कुछ पार्ट क्या है रेड भी है, समझ में, उसी फ्लावर में उसी एक फ्लावर में। जैसे आप यहां पर एक डायग्राम देख सकते हैं, आपको एक तरफ क्या दिख रहा है, एक तरफ आपको रेड फ्लावर दिख रहा है, एक तरफ व्हाइट दिख रहा है ना,
इन दोनों का राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में आपको पिंक फ्लावर दिख रहा है, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और लेफ्ट साइड में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, एक ही फ्लावर में क्या दिख रहा है, एक ही फ्लावर में आपको रेड भी और व्हाइट भी दोनों दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, कोडोमिनेंस। समझ में आई बात? तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फर्क कितना है, थोड़ा सा है, कि जो भाई प्रोडक्ट होगा इसका, इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वो दोनों का मिक्सिंग होगा, और जो इसका प्रोडक्ट होगा उसमें दोनों के दोनों दिखेंगे। समझ में आई बात भाई? यार समझ लेना इसे, नहीं बहुत टफ हो जाता है ये समझना। तो व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ and simultaneously in a heterozygous known as codominants, example hai AB blood groups and a cod color in cattle, cod color in cattle, theek hai। ye blood group ki agar hum baat kare, blood group jo hota hai wo controlled hota hai gene I ke through, to gene I ke through and gene I has three alleles IA IB एंड I। अच्छा, जीन I के पास तीन एलील्स हैं, इसको हम यू भी बोल सकते हैं, जीन I जो है वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, क्योंकि मल्टीपल एलील में हम जानते हैं मोर देन टू टाइप के एलील्स अगर एक जगह प्रेजेंट हो, अगर एक के पास प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील। तो जीन आई को हम लोग एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पास इसके बाद तीनों एलील प्रेजेंट होता है, आई ए आई बी आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आरबीसी के केस में, कि भाई ब्लड ग्रुप जो है ए बी ब्लड ग्रुप कैसे एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आरबीसी होता है ना, ह्यूमन का आरबीसी, किसका आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, उनकी प्लाज्मा मेंबर पर एक सुगर पॉलीमर प्रेजेंट होता है, सुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड टाइप्स ऑफ सुगर्स कंट्रोल्ड बाय जीन। समझ में आई बात? तो ये आई ए और आई बी जो है, ए बी, ये क्या टाइप्स ऑफ शुगर को यहाँ पे दर्शा रहा है। समझ में आई? वही चीजें हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन का जो आरबीसी है, ह्यूमन के आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होता है, क्या होता है, शुगर पॉलीमर्स, और यहीं से ये डिसाइड होता है कि कौन से टाइप के शुगर्स हैं जो कि जीन कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलील, एलील में आई ए और आई बी जो होता है वो प्रोड्यूस स्लाइटली, आई ए आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ शुगर। तो क्या हो गया, एलील आई ए आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, बट एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शुगर, एलील आई जो है तो किसी भी तरह का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। बोथ एलील आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट टू एलील आई, दोनों के दोनों आई ए आई बी जो है वो आई पर क्या है, डोमिनेंट है, बट देमसेल्व आर कोडोमिनेंट्स, दोनों आपस में कैसे हैं, कोडोमिनेंट्स हैं। वही चीज हमें असल में समझाना है, कोडोमिनेंट्स में मैंने आपको ये जो हिस्ट्री बताई है ये आप बस नोट डाउन कर लें, आप थोड़ा सा याद रखेंगे, वो क्या आपको मैंने बोला है, कोडोमिनेंट्स में दोनों के दोनों एलील जो हैं वो अपने आप को शो करेंगे, दोनों के दोनों, ठीक है। तो उस केस में हमने एग्जांपल देखा ए बी ब्लड ग्रुप और कॉट कलर इन कैटल, ए बी ब्लड ग्रुप में हमने देखा कि भाई ए बी ब्लड ग्रुप जो आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई हैज थ्री एलील्स आई ए आई बी एंड आई, इतनी चीजें समझ में आई, इसीलिए हमने उसको एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील भी कहा था। ह्यूमन आरबीसी के सरफेस पर शुगर पॉलीमर्स प्रेजेंट होता है दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड टाइप्स ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट एलील में एलील आई ए आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर, समझ में आई बात, बट एलील आई डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ शुगर। नेक्स्ट बोथ एलील ए आई बी आर डोमिनेंट टू द एलील आई बट themselves आर कोडोमिनेंट्स, दोनों कैसे कोडोमिनेंट्स हैं वो चीज देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया एलील एक कहां से, पेरेंट वन से, फिर हमने लिया एक एलील कहां से, पेरेंट टू से, फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, जीनोटाइप देखना है ऑफ स्प्रिंग में, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप डिसाइड करना है, ये आपको करने हैं, मैं नहीं करूंगा। बोलिए, हमने एलील लिया
पेरेंट वन से कौन सा आईए, कौन सा लिया आईए, कौन सा लिया आईए, पेरेंट टू से हमने क्या लिया आईए। तो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा, आईए आईए, पेरेंट वन से क्या आया आईए, पेरेंट टू से भी आईए आया, तो क्या होगा आईए आईए। तो इस केस में आपको ब्लड ग्रुप कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्योंकि जीनोटाइप दोनों का सेम है, तो ब्लड ग्रुप आपको क्या देखने को मिलेगा ए। नेक्स्ट देखिए, पेरेंट वन से आया क्या आईए, और पेरेंट टू से आया क्या, कौन सा एलील, एलील पेरेंट टू से आईबी। इस केस में जो जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग होगा वो होगा आईए एंड आईबी, दोनों डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे के कोडोमिनेंस है, एक में आईए है दूसरे में आईबी है। तो इस केस में जो हमारे बेबी का ब्लड ग्रुप होगा वो कौन होगा, एबी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट के केस में हम लोग देखते हैं आईए पेरेंट वन से, फ्रॉम पेरेंट वन, नेक्स्ट पेरेंट से क्या आया आई, नेक्स्ट पेरेंट से क्या आया आई। तो ये किसी भी टाइप का शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए मैं यहां पर ए बी कुछ नहीं दर्शाया, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, जीनोटाइप आईए एंड आई। तो इस केस में हमें एक ही दिखेगा, यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। नेक्स्ट कंडीशन में आई बी एंड आईए आया, तो जीनोटाइप आईए आईबी हो जाएगा और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में आईबी आईबी आया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आईबी आईबी, तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। जीनोटाइप आईबी आईबी, तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखिए आईबी और आई आया, तो उसी केस में जीनोटाइप क्या हो जाएगा ऑफस्प्रिंग का, आईबी आई, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बोलिए आईबी। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि पेरेंट वन से आई और पेरेंट टू से भी आई, तो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा, आई आई, समझा। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ। इस पर किसी भी टाइप का शुगर नहीं है, क्योंकि आई जो है वो किसी भी टाइप का शुगर, एलील आई जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, समझ में आई बात। तो इसको एक बार ड्रॉ कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। असल में हमें ये चीज देखनी थी, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स के केस में हमने क्या देखा था कि जो जीनोटाइप परसेंट था यहां पर वही हमारा ब्लड ग्रुप हो रहा था, समझ। इसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो ये एग्जाम्पल हमारा किसका हो गया, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं यहीं पे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कॉट कलर लिया कैटल में, मैंने क्या लिया, एक ब्लैक लिया और फिर हमने व्हाइट लिया, ज्यादा दूर हो गया, ठीक है। इस केस में कोडोमिनेंस मैं समझा रहा हूं, ब्लैक की केस में हम मान लीजिए प्योर ब्लैक को हम बोल रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, और प्योर व्हाइट को हम भी बोल रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल आर, बट थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, इसको हम बोल रहे हैं R1 R1, इसको हम बोल रहे हैं R2 R2। मतलब प्योर ब्लैक हमारा हो गया R1 R1 और प्योर व्हाइट हो गया R2 R2, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हम क्या करेंगे, इसका गैमेट फॉर्मेशन, तो R2 यहां से बनेगा और यहां से R1 बनेगा, दोनों का क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे तो R1 R2 क्या बनेगा, R1 R2। तो कोडोमिनेंस में ये ब्लैक था ये व्हाइट था, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारा बना, ये प्रोडक्ट हम इसको राउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राउंड। प्रोडक्ट हमारा क्या बना, राउंड। अब फिर जाकर के मैं अगर इसका सबमिटिंग करवाऊं, आ लीजिए मैं लेता हूं R1 R2, इसका मैं क्या कराऊं, सबमेटिंग के थ्रू F2 जनरेशन हम लोग निकालते हैं। सबमेटिंग अगर मैं इसकी करवाऊं तो हमें वही एक पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो R1 R2 R1 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 R2 R1 R2 और R1 R2 होगा ना, R2 R2। तो इस केस में F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला कि एक प्योर ब्लैक है और एक प्योर व्हाइट है, बट ये जो दो हमें मिले हैं R1 R2 R1 R2 ये क्या है, राउंड है।
तो इसीलिए इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, फिनोटिपिक रेशियो वो क्या होगा, 1:2, 2:1, और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा वो भी होगा 1:2, 2:1। कैसे, एक प्योर ब्लैक और एक प्योर वाइट, और ये दो जो हमें दिखा है ये दो क्या हो गए, राउंड कलर। समझ में आई बात? तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में आपने क्या देखा, राउंड कलर में क्या हुआ, बोलिए जरा, इसमें वाइट का और ब्लैक का दोनों का मिक्सिंग हो गया। जैसे मैं अगर डायग्राम बताना चाहूं तो यहां पर आप देखिए, जैसे क्या है, कैटल है, ये कैटल है, ठीक है। तो इस केस में, ये कैटल के केस में, इसके ऊपर कुछ पार्ट तो क्या है, ब्लैक है, और कुछ पार्ट क्या है, वाइट है। कुछ पार्ट क्या है, ब्लैक है, और कुछ पार्ट क्या है, वाइट है, ठीक है। कुछ वाइट है, कुछ ब्लैक है, ये गलत हो गया, कुछ वाइट है और कुछ ब्लैक। समझ में आई बात? तो ये तो था हमारा कोडोमिनेंस। इतनी चीजें क्लियर है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका एक काम मैं दे रहा हूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आप खुद से एक बार, आप किसी भी आप करेक्टर को लेकर के एक बार क्रॉस करवाइए प्लीज। जैसे मैंने अभी समझाया था, तो आप लेंगे किसी भी दूसरे करेक्टर को, क्या आप ये देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों पेरेंट्स का ब्लेंडिंग हमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मिक्सिंग हमें दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम लेंगे कोडोमिनेंस में, कोडोमिनेंस एग्जांपल आप कॉट कलर इन कैटल का, इसको एक बार खुद से कीजिएगा, और फिर आप देखेंगे इंटरमीडिएट का बीच में हमें इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों पेरेंट्स का क्या होगा, बोलिए जरा, एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, दोनों पेरेंट्स का कलर आपको उसमें दिखेगा। समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय।